हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको चार स्टेंजा करा चुका हूं इस चैप्टर के। आज मैं आपके लिए पांचवा स्टेंजा लेकर आया हूं। ठीक है, हमारा चैप्टर कौन सा है? एलुजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। इसके राइटर कौन है? थॉमस ग्रे। तो आज हम इसका फिफ्थ स्टेंजा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज। पहले मैं आपको इस स्टेंजा के बारे में बता देता हूँ। ये जो स्टेंजा है प्रीवियस स्टेंजा की तरह ही है। इसमें जो पोएट है वो ये कंटेक्स्ट दे रहा है, ये हमें कंसीडर करवा रहा है कि पहले जो गरीब लोग हैं, यानी कि पहले के अभी भी जो गरीब लोग हैं, उनको कितनी तुच्छता से देखा जाता है। और उनकी इस वाले स्टेंजा में जो उनकी नॉलेज को लेकर बताया गया है कि वो भी कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो गरीबी की वजह से इतना पढ़ नहीं पाते, इतना नॉलेज इकट्ठा नहीं कर पाते जिससे वो और आगे बढ़ सकें। ठीक है, बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज। बट लेकिन नॉलेज यानी कि ज्ञान जो है, ज्ञान के पन्ने जो हैं एम्पल पेज, वो इनकी आंखों के सामने कभी खुले ही नहीं। ठीक है, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। ठीक है, अमीर लोग जो समय बर्बाद करते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग जो कब्रों में लेटे हुए हैं, इनकी पहुंच नहीं हुई उस ज्ञान तक। अमीर लोग कितना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो इतना ज्ञान इकट्ठा नहीं कर पाते, लेकिन ये जो कब्रों में लेटे हुए हैं, इनके लिए इतना भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। चिल पेनरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज। पेनरी का मीन्स है यहां पे दरिद्रता से, यानी कि जो इनकी दरिद्रता है वो इनको आगे बढ़ने से रोकती रही। एंड फ्रोज द जीनियल करेंट ऑफ द सोल। और इसने जो ये दरिद्रता है, इसने इनकी आत्मा के जो मिलने वाला करंट था उसको क्या कर दिया है? जमा दिया। ठीक है, अब रेफरेंस पढ़ना शुरू करते हैं। दिस स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थॉमस ग्रेज। ये जो स्टैंजा लिया गया है कहाँ से लिया गया है? थॉमस ग्रे की एलोजी रिटन इन आ कंट्री चर्च यार्ड, द मोस्ट पॉपुलर एंड एडमायर्ड पोइटिकल वर्क ऑफ द पोइट। ये जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और एडमायर्ड, प्रभावित करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला पोएटिकल वर्क था। किसका? पोएट का, कवि का। द पोएम इज रिमार्केबल। पोएम उल्लेखनीय है फॉर इट्स कंसर्न, इसके विषय के बारे में, विद ह्यूमन डेस्टिनी ऑन दिस अर्थ, कि मनुष्यों का जो भाग्य है इस पृथ्वी पर कैसा है। इट्स सिंपथी फॉर द पुअर। इनकी जो सिंपथी है वो किसके लिए है? पुअर्स के लिए। इनके मन में दया है, सिंपथी है। एंड इट्स नोबिलिटी ऑफ सेंटीमेंट्स। और इनकी जो कुलीनता है ऑफ सेंटीमेंट्स, भावनाओं की, वो किसके लिए है? गरीबों के लिए है। एवरी कॉमन मैन फाइंड्स हेयर, प्रत्येक एक कॉमन व्यक्ति फाइंड्स हेयर, प्राप्त करता है यहाँ एन इको ऑफ हिज ऑन फीलिंग्स एंड सेंटी मेंट्स। इको मीन्स गूंज। हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति जो है, प्रत्येक कॉमन व्यक्ति वो गूंज प्राप्त करता है उसकी स्वयं की भावनाओं की और फीलिंग्स की। ठीक है, इन द प्रेजेंट स्टेंजा, इस स्टेंजा में, प्रेजेंट स्टेंजा जो ये हम पढ़ रहे हैं, द पोएट शोज, पोएट दिखाता है हाउ देयर कीन डिजायर फॉर नॉलेज वाज रिप्रेस्ड बाई देयर पॉवर्टी।
यानी कि किस तरह से उनकी जो तीव्र इच्छाएं थी, किसके लिए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो पीछे हट गई, यानी कि खत्म हो गई। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी की वजह से। इन द प्रीवियस स्टैंजा ही हैज टोल्ड, उसके पिछले स्टैंजा में उसने बताया, पोइट ने बताया है हमें, दैट इफ दीज पुअर पीपल, कि अगर ये गरीब लोग हैड गॉट दी अपॉर्चुनिटीज, अगर इनको अपॉर्चुनिटीज अवसर प्राप्त हों, दे टू कुड हैव राइजन टू ग्रेट हाइट्स, यह भी बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर उठ सकते हैं, उनको छू सकते हैं, ऑफ ऑनर एंड ग्लोरी, प्रसिद्धि और गर्व की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कंटिन्यूइंग विद हिज थॉट्स, उसके विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए, ऑफ द प्रीवियस स्टेंजा, उसके प्रीवियस स्टेंजा के, द पोएट सेज, पोएट कहता है, दैट दीज पुअर पीपल, ये गरीब लोग, कुड हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स। पोएट कहता है कि इन जो गरीब लोग हैं, इन्होंने अपने आप को विशिष्ट बना लिया है। कैसा बना लिया है? विशिष्ट बना लिया है इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में, प्रोवाइडेड देयर नेचुरल एबिलिटीज, जो उनको प्राकृतिक एबिलिटीज गुण दिए गए हैं उनमें। कुड गेट प्रॉपर ट्रेनिंग, और ये उसको और निखार सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग, पूर्ण रूप से परीक्षण करके, सही तरीके से परीक्षण करके, ट्रेनिंग करके। बट लेकिन एज दे वर अनफॉर्चुनेट वंस, क्योंकि वे सब सौभाग्यशाली नहीं है, दुर्भाग्यशाली है, द पेजेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के जो पन्ने हैं, कुड नॉट ओपन टू देम, उनके प्रत्यक्ष यानी कि उनके सामने नहीं खुले कभी भी। कंसिक्वेंटली दे रिमेंड अनएजुकेटेड, फलस्वरूप ये लोग कैसे रह जाते हैं? इलिटरेट, अनएजुकेटेड, यानी कि अनपढ़ रह जाते हैं, बिना पढ़े लिखे रह जाते हैं। एंड ऑल देयर इनबॉर्न एबिलिटीज, और वो जो उन एबिलिटीज गुणों के साथ पैदा हुए थे, जन्म हुआ था उनका, अनप्रंड, कैसा है? खाक हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, कट जाता है। दोज हु गेट द अपॉर्चुनिटी, दोज बहे यानी कि वो जो जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी अवसर मिलते हैं, ऑफ बीइंग परफेक्ट, पूर्ण रूप से परफेक्ट होने के, बाय रीडिंग, पढ़ने से, आर इक्वाइब्ड, समान हो जाते हैं, विद ऑल दैट इज वर्थ नोइंग, जो भी उन्हें जानना होता है, एंड दस बिकम, और तब वेल इन्फॉर्म्ड, सभी प्रकार की जानकारी रखते हैं, एंड लर्न्ड, और सीखते रहते हैं, देयर लर्निंग ओपन्स न्यू एवेन्यूज टू देम, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो सिखाई है, वो उनके लिए नए रास्ते, नए दरवाजे खोल देती है। द पुअर पीपल वर आल्सो फिल्ड विद नोबल एंथुसिज्म, एंथुसिएज्म, जो पुअर पीपल होते हैं वो उनके पास भी होते हैं, क्या होते हैं? एंथुसिज्म मीन्स अच्छी जानकारी होती है, एज द रिच आर, जैसे जानकारी किसके पास होती है? अमीर लोगों के पास होती है। बट ऑल देयर जील वॉज रिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम पॉवर्टी, लेकिन उनकी जितनी भी तरक्की है वो सब पीछे हो जाती है, हट जाती है, रुक जाती है, बिकॉज ऑफ देयर, उनकी बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण। सो इट इज़ पॉवर्टी, इसीलिए यह गरीबी ही है, दैट कीप्स अ मैन, जो रखती है एक व्यक्ति को अवे, दूर फ्रॉम हिज नेचुरल डेवलपमेंट,
अपने प्राकृतिक विकास से, एंड दस और तब द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ द ग्लोरीज ऑफ लाइफ, और नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं छू पाते हैं ग्लोरीज ऑफ लाइफ, जिंदगी के ग्लोरी को. इट इज देयर प्रॉवर्टी, यह उनकी गरीबी ही है, दैट फ्रीजेस द जनरल फ्लो ऑफ देयर सोल, जो रोक देती है, जाम कर देती है, थक्का जमा देती है, किसका, सामान्य रूप से जो उनकी आत्मा में फ्लो हो रहा होता है, मच इन द सेम वे, इसी प्रकार से जैसे द एक्सट्रीम चिल फ्रीजेस, जो बहुत ज्यादा ठंडा फ्रीजेस होता है, वो वाटर को क्या कर देता है, रोक देता है. ठीक है, सो इट, इसीलिए इट इज द कर्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यह गरीबी का एक श्राप है, दैट मेक्स देम पुअर, जो उनको पुअर बनाती है, गरीब बनाती है, एंड निग्लेबल, तुच्छ बनाती है, एंड देयर डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनके जो भविष्य है उसको रोक देती है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कमेंट्स. द लाइंस कन्विंस, लाइंस बताती हैं, कन्विंस करती हैं ग्रेज डीप कंसर्न, ग्रे की डीप कंसर्न फॉर द पुअर हु रिमेन अनएजुकेटेड, जो गरीब रह जाते, जो अनपढ़ रह जाते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्सट्रीम पॉवर्टी, किसके कारण, अत्यधिक गरीबी के कारण. दिस ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, यह मानविक कंसर्न जो है, कारण जो है, ऑन द पार्ट ऑफ द पोएट लिंक्स हिम, पोएट जो है इसको अपने इससे कविता से जोड़ता है, विद द ग्रेट रोमांटिक पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, इसकी तरह जो ग्रेट पोएट्स, रोमांटिक पोएट्स हैं, लाइक वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक पोएट है उनकी तरह. द स्टैंजा इज रिमार्केबल, स्टैंजा रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है, फॉर इट्स नोट ऑफ पैथोस, पैथोस. ठीक है, द पुअर, गरीब, विद ऑल देयर इनवॉर्नेबिलिटीज, जो पैदा होते हैं अपने गुणों के साथ, रिमेन अनएजुकेटेड, अनपढ़ रह जाते हैं, ये यहाँ पर ओनली होगा, एल लगा लेंगे. ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ देयर चिल पैनुरी, अपनी दरिद्रता के कारण. दिस इज रियली हार्ट टचिंग, यह बहुत ही दिल को छूने वाला है. द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफोर, इसमें कौन सा है, मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है. द थॉट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का विचार है, हैज बीन एक्सप्रेस्ड मेटाफोरिकली, विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर. गरीबी का जो विचार है वो एक्सप्रेस्ड किया गया है मेटाफोरिकली, किसकी सहायता से, फ्रीजिंग ऑफ वाटर से. तुलना की गई है किसकी, आत्मा के प्रवाह की, यानी कि मनुष्य के जीवन की प्रवाह की, किससे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर से. जिस तरह बहुत ज़्यादा ठंडक होने पर जो पानी जो है उसका फ्लो रुक जाता है, यानी कि वो जम जाता है, तो फ्लो कैसे होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो फ्लो रुक जाएगा. उसी तरह जब बहुत ज़्यादा गरीबी हो जाती है तो मनुष्य का जो विकास है वो रुक जाता है. द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन, अगेन लिंक्स, इसमें पर्सोनिफिकेशन का भी जुड़ता है, फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है. ग्रे विद द क्लासिकल पोएट्स, ग्रे जो है क्लासिकल पोएट्स है, तो इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है, दैट द पोयम इज रोमांटिक इन सब्जेक्ट एंड क्लासिकल इन फॉर्म. सब्जेक्ट को लेकर यह पोएट, यह पोयम कैसी है, रोमांटिक है और क्लासिकल है, किसमें, फॉर्म में. ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ स्टैंजा हो गया. ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अगला स्टैंजा लेकर. तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं. ठीक है, धन्यवाद.